मारेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हत्या ही लगेगी। नहीं राघव, ये हत्या नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर हत्या होगी तो केस फाइल होगा, और मैं नहीं चाहता कि इस मामले में कोई केस फाइल हो। अरे रोहित, अरे यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। कहाँ रहते हो तुम? घर में रहकर भी दिखाई नहीं देते। घर में रहकर बोर हो चुका हूँ। ठीक कह रहे हो तुम। अरे यही तो उम्र है, खेलने कूदने का, बाहर जाने का, दोस्तों से मिलने का। लेकिन यहाँ तो ऐसे लगता है कि तुम्हें घर में कैद कर लिया गया है। क्या करें, मम्मा पापा घर से निकलने ही नहीं देते। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम घर में कब तक कंप्यूटर खेलते रहोगे, तुम्हारे दोस्त क्या कहेंगे। लेकिन भाई तारीफ करनी होगी कि भाई साहब भाभी की बात तुम मान रहे हो और घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। मुझसे तो नहीं होता भाई, मुझे कितनी उम्मीद थी तुमसे। मैंने सोचा था कि पिछले साल तुम कार रेस में हिस्सा भी लोगे और जीतोगे भी। जीतना, मामा पापा ने प्रैक्टिस में भी जाने नहीं दिया था। उसे रोहित, जाने वाले को कौन रोक सकता है कि नहीं? जो इजीली मान जाए उसे तो कोई भी मना ले। अब तुम सोचो, तुम अभी से दब्बू बन जाओगे तो बड़े होकर क्या करोगे, क्या बन पाओगे, कभी सोचा? देखो भाई साहब भाभी, इनके बात को मैं भी ठुकरा नहीं सकता। उनके जो बातें हैं, उनके आदेश सब मेरे सिर माथे पे। लेकिन रोहित, ये भी तो झुठलाया नहीं जा सकता ना कि वो लोग पुराने ख्याल के हैं। ठीक कहते हैं अंकल। वैसे बेटा, उनके लिए मेरे दिल में बहुत आदर है, इसलिए मैं उनके सोच को गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन दुख तब होता है जब उनके दकियानुसी सोच की वजह से तुम्हारे सपने बिखरने लगते हैं, तुम्हें खत में कैद कर लिया जाता है। ये भी भला कोई बात हुई? बड़ा दुख होता है ये देख कर रोहित। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता ना। अगर बीच में बोलूंगा तो उन्हें मेरी बात बुरी लगेगी। लेकिन तुम तो बोल सकते हो, तुम बच्चे हो, तुम जिद कर सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो उनको, है ना? तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें जिद करनी चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए। बच्चा है, उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। मैं जानता हूं कि इस साल भी तुम कार रेस में हिस्सा लेना चाहते हो, है ना? हाँ चल, हिस्सा तो लेना चाहता हूँ। वैसे रोहित, अपने सपने को मारकर जीना भी कोई जीना है? अरे तुम्हें जिद करनी चाहिए, जो बात बोले उसे करके दिखाना चाहिए, अपने सपने को पूरा करना चाहिए किसी भी तरह। अरे जो बोलो वो करके दिखाओ, ये बात होती, समझ रहे हो? तब भी कोई बात बनती है, करना। अरे रोहित, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें कब से कमरे में ढूंढ रही थी। कमरे में कब तक अकेला बैठा रहेगा भाभी? हाँ, सोचकर तो हमें भी दुख होता है।
बच्चे का बाहर निकलना बंद हो गया। मम्मा, पिछले साल आप लोगों ने पार्टिसिपेट करने नहीं दिया था। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। मम्मा, मैं इस बार कार रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम कार रेस में हिस्सा लोगे। हम तो चाहते हैं कि हमारा बेटा नाम कमाए, पर वो जो तुम्हारे लिए जाप होने वाले हैं ना, वो हो जाए, उसके बाद तुम जो चाहे वो करना। हाँ बेटा, ये तो यूं समझ लो मजबूरी है। और रही बात कार रेस प्रैक्टिस की, तो वो बट अंकल, प्रैक्टिस के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। दिनों की बात है, फिर हम तुम्हें खुद सारे मौके देंगे। बस कुछ दिन, हाँ? तुम बच्चे हो, तुम जिद कर सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें जिद करनी चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए, बात मनवानी चाहिए। पता है उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा। क्या हुआ, अब गुरुजी से बात क्यों नहीं करते? कब आने वाले हैं वो? गुरुजी खुद फोन करेंगे और खुद बताएंगे कि वो कब आने वाले। लेकिन बात क्या है? आपको तो पता है ना कि रोहित को ड्राइविंग का कितना शौक है, और उसके दोस्त भी उसकी ड्राइविंग की तारीफ किया करते हैं। अब पिछले साल वो कार रेसिंग में हिस्सा लेने वाला था, पर हमने उसे रोक दिया। मालती, हम उसके सारे शौक पूरा करेंगे। शौक पूरा करने के लिए सारी उम्र पड़ी हुई। कार रेस में हिस्सा नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ गया? वो इस साल भी हिस्सा लेने की बात कर रहा है। तुम उसे प्यार से समझाओ, वो हमारा बेटा है, समझदार है, समझ जाए। लेकिन उसके भी कोई सपने हैं। ऐसा लगता है कि हम उसे बार बार रोककर उसके सपनों से खेल रहे हैं। बनारस से आने के बाद तो किस कदर मायूस और उदास हो गया है वो। मैं समझता हूँ मालती, अच्छी तरह से समझता हूँ। क्या हम लोग परेशान नहीं हैं? अगर रोहित को रेस में जाने से रोक रहे हैं तो उसकी कोई वजह है। फिर भी मैं तो कहती हूं कि आप गुरुदेव से बात कीजिए। जाप करवाना है, जाप करवाइए। आखिर कब तक हम उसे उदास और मायूस होते हुए देखते रहेंगे? मालती, उसकी सारी मायूसी खत्म होगी। आखिर हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं रोहित की खुशी के लिए कर रहे हैं ना। रोहित बापू की खुशी के लिए आप लोग जो कर रहे हैं, उसने तो रोहित बापू की मुस्कुराहट छीन ली है। उनकी मुस्कुराहट तभी वापस आ सकती है जब आप लोग ये सब कुछ सोचना छोड़ दें। जब तक आप लोगों के दिमाग से ये सारी बातें नहीं निकलेगी, तब तक इस घर का माहौल नहीं बदलेगा। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन बहुत जल्द इस घर का माहौल बदलेगा। जो भी पूजा जाप करवाना है जल्दी करवाइए। आप लोगों ने रोहित बाबू का चेहरा देखा है, जैसे वो हंसना बोलना ही भूल गए हो। हाँ बेला, देख तो हम लोग भी रहे हैं। बस अब ये जाप और पाठ कब करवाना है ये तो गुरुदेव ही बता सकते हैं। तब तक हमें इंतजार करना होगा। इंतजार करना ही पड़ेगा बेला, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। गुरुजी के फोन का इंतजार करते हैं। फोन आया तो ठीक है, वरना मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। तानी, क्या बात है, क्या बात है कि रोहित आजकल हमसे नाराज रहने लगा है। हम उसे कुछ भी करने नहीं देते,
पता नहीं उसके दिमाग में ये सारी बातें आई कहां से। ओ, आखिर वही हुआ जिसका हमें डर था। यहां आने के उपरांत सही मुहूर्त देखकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाना ही होगा यशवंत। तुम चाहे जो कह लो, कुछ नहीं हो सकता। भाई साहब भाभी अपनी सोच तुम पर थोपते ही रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। पिछले साल भी तुम कार रेस में हिस्सा नहीं ले पाए थे और इस साल भी नहीं ले पाओगे, देख लेना तुम। आखिर मैं करूं तो क्या करूं अंकल? जब तक रेस होगा तब तक ये जाप वगैरह भी हो चुका होगा, और जाहिर है कि भाई साहब उसके बाद कार रेस में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें इजाजत दे दे, लेकिन फिर भी तुम नहीं ले पाओगे हिस्सा। अरे सोच क्या रहे हो, सोचो ना कि तुम्हारी तब तक प्रैक्टिस भी नहीं हुई होगी, तो फिर तुम कार रेस में हिस्सा कैसे लोगे? तो ये साल भी गया समझो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं रोहित कि कोई भी काम करो, किसी भी काम में जुनून की जरूरत होती है। आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं होता है, और जिसमें जुनून रहता है जिस इंसान में, वही शिखर पे पहुंचता है। जिसमें जुनून होता है वो किसी की नहीं सुनते, उसकी नजर सिर्फ अपने लक्ष्य पर होती है। वैसे ही जैसे अर्जुन की नजर थी अपने लक्ष्य पर, मछली की आंख पर। जुनून तो मुझ में भी है अंकल। नहीं, तुम्हारे अंदर मायूसी है, जुनून नहीं। जिसके अंदर जुनून होता है ना, वो किसी की नहीं सुनता। तुम्हारे अंदर जुनून होता तो अभी गाड़ी स्टार्ट करते और प्रैक्टिस के लिए निकल पड़ते, किसी की सुनते भी नहीं। उसे कहते हैं जुनून। देखो बेटा, मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं ये सब कि मैं जानता हूं अच्छी तरह कि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो तुम कार रेस में कैसे हिस्सा लोगे। मैं चाहता हूं कि तुम प्रैक्टिस करो, कार रेस में हिस्सा लो। अंकल मैं प्रैक्टिस करूंगा। अब देख लो कि ये कैसे संभव हो सकता है तुमसे। प्रैक्टिस तो करनी होगी। भाई साहब भाभी को कैसे कन्विंस करना है ये तुम्हें सोचना होगा। आज तो रोहित मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया, बार बार नहीं समझाऊंगा। प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें अपने अंदर जुनून पैदा करना होगा। एक बात याद रखना रोहित, कि जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाए वो मंजिल नहीं पा सकता है। अब सोचना तुम्हें है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, कोई और नहीं। आप मेरी मदद करेंगे ना अंकल? बिल्कुल करूंगा, मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तुम तो जानते हो रोहित कि भाई साहब भाभी को पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो उन्हें बुरा लगेगा, वो बुरा मान जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं मदद करूंगा जरूर, लेकिन भाई साहब भाभी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। और हाँ, प्रैक्टिस के लिए अगर मेरी गाड़ी की जरूरत पड़े तो ले जाना बेहिचक, ठीक है? लेकिन सबसे पहले ये सोचना होगा तुम्हें कि भाई साहब भाभी को मनाना कैसे, कन्विंस कैसे करना है, ठीक है? अच्छा वो मैं निकलता हूँ। गुलशन, मैं काफी दिनों से ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ और फिर मैं अपना बिजनेस भी नहीं देख पा रहा हूँ। भाई जी, प्रोजेक्ट तो चल ही रहे हैं, फिर जो प्लान किया था हम लोगों ने उस प्लान के मुताबिक ही चल रहे हैं। फिर काम भी टाइम पे पूरा होने वाला है, लेकिन एक प्रॉब्लम है भाई जी। लेकिन हमने जो सोचा था उतनी तेजी से बुकिंग नहीं हो रही है। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने वक्त एक उम्मीद होती है भाई जी। शुरुआती दौर में हमारे पैसे जरूर लगते हैं, लेकिन बाद में वो पैसे फिर आने लगते हैं और उन्हीं पैसे से ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है। बुकिंग बहुत ही धीमी है, प्रॉपर्टी का मार्केट भी बहुत ठंडा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई जी? हम रेट तो कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कंपनी का वसूल है कि हम सबको घर एक ही रेट में देते हैं। अगर
किसी को भी ए रेट कम किया तो अगला नाराज हो जाएंगे। अगर हमने रेट कम किया तो पहले जिन्होंने बुकिंग कराई उन्हें शिकायत होगी। तुम ठीक कह रहे हो गुज़ो, रेट तो हम कम नहीं कर सकते लेकिन बुकिंग अमाउंट तो कम कर सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए बुकिंग बहुत कम है और पोजीशन भी हमें एकदम सही वक्त पे देना पड़ेगा। प्रोजेक्ट तो भाई जी किसी हालत में पूरा करना है। ठीक है जी, सोचते हैं क्या कर सकते हैं। गुरुदेव का फोन है जी। प्रणाम गुरुदेव जी। जी जी गुरुदेव, हम सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। जी ये तो आप ही बता सकते हैं ना गुरुदेव जी। जी जी हम लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुदेव जी। जी धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। अरे मालती बेला कहाँ हो तुम लोग? भाई जी क्या बात है, गुरुदेव ने क्या कहा? क्या बात है भैया? अरे मालती कहाँ है? भाभी किचन में है। उसे बता दो कि गुरुदेव आज ही शाम में आ रहे हैं। चलिए अच्छा है कि वो आज ही आ रहे हैं। हाँ भाभी भी उन्हीं के बारे में बात कर रही कि पता नहीं गुरुदेव कब तक आ पाएंगे। जाकर बता दो कि आज शाम को ही आ रहे हैं। जी भैया। जो भी तैयारी करनी है ना तैयारी कर। ठीक है भैया अभी बताती हूँ। गुलशन अब देखना गुरुदेव आ रहे हैं ना, सारी परेशानी खत्म। कीजिए गुरुदेव कि जाप और पाठ कब कराना है। गुरुजी हमारे घर में सबसे ज्यादा परेशान तो रोहित ही है। जो भी जाप पाठ करवाना हो जल्दी समापन करवा दीजिए। मैंने यशवंत जी को बताया था कि जाप सही समय पर सही मुहूर्त पर ही संपन्न किया जाएगा। वही तो हम जानना चाहते हैं कि सही मुहूर्त कब है और कब से हम जाप शुरू कर सकते हैं। 3 महीने पश्चात अक्षय तृतीया का बड़ा ही शुभ मुहूर्त है, उसी दिन सारे जाप और पाठ एक साथ संपन्न कर लिए जाएंगे। तो तब तक क्या मुझे घर पे ही बैठना पड़ेगा? रोहित तुम चुप रहो। भाई साहब इसे क्यों डांट रहे हैं आप? अब सारी बंदिशें तो रोहित के ऊपर ही आ जाती हैं।
भाई साहब इसे क्यों डांट रहे हैं आप? अब सारी बंदिशें तो रोहित के ऊपर ही आ जाती हैं। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है वो तो रोहित के लिए रहा है ना भाभी? तुम्हें इन बातों से परेशान नहीं होना चाहिए बेटी। खुद पर संयम रखो। गुरुदेव, बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन क्या है ना कि भाई जी ने रोहित को अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने से बिल्कुल मना किया हुआ है। दरअसल गुरुदेव, रोहित पिछले साल भी कार रेस में हिस्सा लेना चाह रहा था और हम लोगों ने मना कर दिया, और इस साल भी इसे मना करना पड़ रहा है और प्रैक्टिस भी चुकी नहीं कर पाया है, इसे लग रहा होगा। और इस साल भी जब तक जाप पूरा नहीं हो जाता भाई साहब रोहित को कार रेस में प्रैक्टिस करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। गुरुदेव, या आप अगर इजाजत दे तो। बड़ी अच्छी बात है रोहित कि तुम कार रेस में हिस्सा लेना चाहते, लेकिन बेटा समय और संयोग किसे पता। मैं तो यही कहूंगा कि तुम्हें संयम से काम लेना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुनना मुझे। रोहित चुप हो जाओ। मुझे कार रेस में पार्टिसिपेट करना है, मुझे किसी की बात नहीं सुनना, नहीं सुनना मुझे। रेस कोई मामूली खेल नहीं है, ये खतरनाक खेल है जिसमें लोग खतरों से खेलते हैं। हम लोग तुम्हें खतरों से महफूज रखना चाहते हैं और तुम हो कि खतरों की तरफ ही जाते हो। सोचा भी तो बस कार रेस में हिस्सा लेने की। हाँ, मुझे इसी रेस में पार्टिसिपेट करना है।